हेलो जी, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? सबके हाल चाल सब बढ़िया? समोह स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे एकदम एवरग्रीन गाना, एवरग्रीन से भी एवरग्रीन गाना, एक प्यार का नगमा है। इस गाने को आप आज सुनो तो भी उतना ही मजा आएगा, 10 दिन बाद में सुनो तो भी उतना ही मजा आएगा, 10 साल बाद में सुनो तो भी उतना ही मजा आएगा, और रोज सुनो तो फिर कहना ही क्या। तो काफ़ी प्यारा गाना है, एक प्यार का नगमा, एवरग्रीन, जिसको हम देखेंगे, सीखेंगे कि आप इसको अपने पियानो, अपने मोबाइल पियानो, अपने हारमोनियम के ऊपर किस तरह प्ले कर सकते हो। और अगर इस गाने के साथ अगर आपको कंप्लीट पियानो सीखना है स्टेप बाय स्टेप, और आप एक पियानो कोर्स ढूंढ रहे हो ऑनलाइन, तो या देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन की लिंक है, कमलेश मैजिकल की सो पियानो, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार से आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे नॉर्मली स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो द मैजिकल की इस पियानो कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसको आप ओवरव्यू कर सकते हो, देख सकते हो। कंटेंट के ऊपर जाओगे तो लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह एडवांस तक एक सही क्रम में क्वालिटी लेसन इसमें आपको अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा नेट नहीं चल रहा है, आपका चल रहा होगा, आप अच्छे से और देखिएगा, और जिसमें कि आप टोटल इसका ओवरव्यू देख सकते हो और कंप्लीट पियानो सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और भी होम के ऊपर जाओगे कई सारी स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएंगे, जो आप आराम से पियानो के ऊपर प्रैक्टिस कर पाओगे, सीख पाओगे और घर बैठे बैठे कंप्लीट पियानो सीखने का मजा ले पाओगे। शुरुआत करते हैं और अब सीखते हैं कि एक प्यार का नगमा गाना आप किस तरह प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले गाने का जो म्यूजिक पार्ट है वो किस तरह, ठीक है। शुरुआत का म्यूजिक पार्ट बहुत ही प्यारा है, एक बार आपको मैं छोटा सा पार्ट इसको थोड़ा सा वन फिंगर से प्ले करके बताता हूँ, देन हम गाने की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड में मैं खाली सी शार्प मेजर का, मतलब सी शार्प का आरपेजियो प्ले कर रहा हूँ इस तरह, सिर्फ ना ना 1, 2, 3, 4, ठीक है। और राइट हैंड में जो अपनी मेलोडी अभी हम सीखेंगे, इसके बाद में गाने की पहली लाइन, फिर यहां पे समाप्त होता है गाने का मुखड़ा पार्ट, ठीक है। अब मुखड़ा पार्ट को हम वन फिंगर से सीखते हैं और देन हम इस गाने के अंतरे को भी सीखेंगे, मिनटों में इस वीडियो में हम सीख पाएंगे कंप्लीट गाने को बजाना। उससे पहले एक छोटा सा एंजॉय कीजिए स्पॉन्सर सेगमेंट। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय रियाज ऐप। रियाज एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप घर बैठे सिंगिंग सीख सकते हो, म्यूजिक सीख सकते हो, और भी कई सारे राग थाट अलंकार और म्यूजिक रिलेटेड चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए रियाज ऐप। थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं गाने की पहली लाइन किस तरह, एक प्यार का नगमा है, ठीक है। वन फिंगर से यहां से आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखिए सी शार्प, जो यहाँ पे दो नोट है, और ये जो तीन का पेयर है उसमें जो दो एक जोड़ी का पेयर है उसमें जो पहली काली है अपनी, जिसे हम सी शार्प कहते हैं, जिसे हम सारे गामा में सा कहते हैं, और यहां से हमें स्टार्ट करना है किस तरह, एक प्यार का नगमा है, फिर से एक प्यार का नगमा है, एक बार फिर से, फिर जो दोस्तों अगली लाइन है मोजो की, तो उसमें एफ सिर्फ जो दो बार प्ले हो जाएगा इसे एफ कहते हैं, जिसे हिंदी में ग कहते हैं, 1, 2, 3, 4 चौथी सफेद, ठीक है। मो जो की रवानी है, फिर से एक प्यार का नगमा है, मो जो की रवानी है, फिर जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट, फिर ठीक है, एक बार फिर से,
फिर रिपीट। एक प्यार का नगमा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाने का मुखड़ा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो और सीख सकते हो। अब बढ़ते हैं गाने का जो गाने का अगला पार्ट है, अंतरा पार्ट, वो किस तरह कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, ठीक है। इतना सा पार्ट सीखते हैं सिर्फ। बहुत ही बढ़िया। अगली लाइन, ठीक है, फिर से दोनों को साथ में मिला के। इसके बाद में जीवन का मतलब तो, ठीक है, फिर किस तरह लास्ट में, फिर बहुत ही मस्त। इसके बाद में जो गाने का फिर से पहला पार्ट है वो फिर से शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा कंप्लीट गाना है वो कंप्लीट होता है। और आप जो गाने का अगला अंतरा है वो भी सेम इसी वे में आप प्ले कर सकते हो, सीख सकते हो और अपने कीबोर्ड के ऊपर, अपने पियानो के ऊपर, अपने हारमोनियम के ऊपर इसको बजा सकते हो। वीडियो को पॉज कर करके एक एक जो मेरी फिंगर मूवमेंट है उनको आप देख सकते हो और अपने फिर बाद में कोशिश कर सकते हो। कहीं पर भूल चुको तो फिर बाद में वहीं पर रुकिए, ओरिजिनल गाने को सुनिए और फिर से हमिंग करते करते बजाने की कोशिश कीजिए। ये तो हो गई एक गाने की बात। फिर से कहूँगा, अगर आपको कंप्लीट पियानो सीखना है स्टेप बाय स्टेप लेसन्स के थ्रू, तो देर ना करिए, बहुत ही मेहनत से वहाँ पे मैंने एक अपनी जिस तरीके से जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की अपने पर्सनल लाइफ में संगीत के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। नॉर्मल वहाँ पे जैसे आप कोर्स में जाओगे पेमेंट करना है और मेरे कोर्स में एनरोल होना है, फीस बहुत ही कम है। सभी लोगों को देख के उस तरीके से मैंने डिसाइड किया जो मैंने मेहनत की है उस चीज़ के लिए, और स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी लेसन है वहाँ पे मिलते रहेंगे। आप जैसे मेरे कोर्स में एनरोल होते हो आप एक छोटे से ग्रुप में भी ऐड हो जाते हो जिसमें जो भी डाउट्स है वो आप पर्सनली मेरे साथ क्रिएट कर सकते हो, मतलब मेरे साथ जो क्रिएट हुए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो और लाइफ टाइम के लिए आप मेरा कोर्स का एक्सेस ले पाओगे सिर्फ एक ही पेमेंट में, ठीक है। और हमेशा के लिए जो हमारा एक कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाएगा, और यूट्यूब पर तो फिर हमें है ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं कोर्स के ऊपर और अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। गुड बाय।